because you can't live a successful life with a uncleared mind. पापा कहते हैं पढ़ाई करो, मम्मी कहती है पढ़ाई करो, टीचर कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन क्या करें, पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं है। और कैसे मन लगेगा, क्योंकि पढ़ाई दिल से नहीं, मन से नहीं, बल्कि माइंड से किया जाता है। और पढ़ाई ही क्या, हर वो काम जो हम करते हैं उसे इंस्ट्रक्शंस दिल नहीं दिमाग देता है। हमें भूख लगती है, उसका एहसास कहाँ होता है, यहाँ नहीं, यहाँ उसका एहसास होता है। नींद आती है, आंखें ओझल होती है, उसका एहसास कहाँ होता है, यहाँ नहीं, यहाँ उसका एहसास होता है। सर भारी हो जाता है, पढ़ाई करने बैठते हैं सर भारी हो जाता है, हम जो भी पढ़ते हैं वो यहाँ पर घुसता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अनवांटेड चीज़ें, यानी जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भरी हुई है। तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को एक गठरे में बांध कर एक साइड में कोने में फेंक देना है और हमारे माइंड को बिल्कुल क्लियर और फ्रेश कर देना है। बिकॉज यू कांट लिव अ सक्सेसफुल लाइफ विथ अ अनक्लियर माइंड, यानी तुम एक कामयाब जिंदगी तब तक नहीं जी सकते जब तक तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग क्लियर नहीं हो जाता, फ्रेश नहीं हो जाता। कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी है हमारे पास जो हमें हमारे काम पे फोकस नहीं करने देते, हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल, मोबाइल में की गेम्स, हमारी फेवरेट मूवीज, ये सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को खाली नहीं होने देती, हमें पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं करने देती। जब तक आप इन चीज़ों से दूर नहीं हो जाते तब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। और आप घूमिए, आप इंजॉय कीजिए, किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन हर एक चीज़ का वक्त होता है। और अगर ये वक्त आपके हाथों से निकल गया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। वैसे तो हम जब रात को सोते हैं तब ये कहते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर लूँगा, 6 या फिर 4 बजे का अलार्म लगा कर सो जाते हैं, और फिर अलार्म वैसे ही बजकर चला जाता है, हम लेट उठते हैं, और फिर हम दोपहर को पढ़ाई करते हैं ये सोच करके शाम को कर लेंगे, शाम को अपनी है। जैसे ही शाम को पढ़ाई करने बैठते दोस्त का फोन आ जाता है कि चल यार बाहर घूम कर आते, फिर वहाँ पर भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं ये सोचकर कि रात को पढ़ाई कर लेंगे। फिर रात को तो पूरे दिन की थकावट हमारे बदन में होती है, तभी भी हम पढ़ाई नहीं कर पाते, और फिर हम रात को सो जाकर ये कहते हैं कल सुबह कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल करूँगा। ऐसे करते करते हमारा कल कभी आता ही नहीं है। जो भी करना है आज करो, बल्कि अभी से ही करो, क्योंकि अभी वक्त है। और हर सुबह उठकर अपने आप को अपना मकसद, अपना गोल याद दिलाओ कि मुझे IPS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, जो भी तुम्हें बनना है वो उसका एक गोल तैयार करो और रोज़ सुबह उठकर अपने आप को वो याद दिलाओ। लेकिन जो जो डिस्ट्रैक्शन मैंने आपको बताए, वो सारे डिस्ट्रैक्शन हमें, ये सारे हमारे मकसद को हमें याद रखने देते ही नहीं है। हमें जो बनना है वो हम भूल जाते हैं, और फिर कुछ ही YouTube पर मोटिवेशन वीडियो देखकर हम थोड़ी ही देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, और फिर बाद में जैसे हम थे वैसे ही हो जाते, हम हमारा मकसद भूल जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप अपने क्लास के टॉपर को ही देख लीजिए, आखिर क्या फ़र्क है उसमें और आप में, उसके पास भी तो एक ही दिमाग है, उसके पास भी तो कई सारे डिस्ट्रैक्शन है, उसके भी फ्रेंड्स है, उसके पास भी मोबाइल है, उसके पास भी वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन है जो आपके पास है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस में, उसके उस पढ़ाई के जोश में और आपके पढ़ाई के जोश में और आपके कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सिर्फ बोलते हो और वो करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि अभी वक्त है। और यार कल कल मत करो यार, क्योंकि जिसने बोला कल उसका दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज